दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको मोबाइल हॉटस्पॉट के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने फोन में हॉटस्पॉट को यूज कर सकते हो, कैसे आप हॉटस्पॉट की सेटिंग कर सकते हो, आप हॉटस्पॉट को ऑन करके एक फोन से दूसरे फोन में इंटरनेट को कैसे यूज कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों काफी टाइम ऐसा होता है कि हमारे फोन में इंटरनेट नहीं चल रहा होता है या मोबाइल डेटा खत्म हो जाता है, हमें इंटरनेट की ज्यादा जरूरत होती है। तो दोस्तों आप किसी और फोन में हॉटस्पॉट को ऑन करके अपने फोन में वाईफाई को कनेक्ट करके इंटरनेट को यूज कर सकते हो। तो दोस्तों हॉटस्पॉट काफी अच्छा फीचर है इंटरनेट को यूज करने का। मान लो कि आपके पास एक से ज्यादा फोन है, 3-4 फोन है और रिचार्ज एक ही फोन में इंटरनेट डेटा है, तो दोस्तों आप हॉटस्पॉट को ऑन करके अदर फोन में इंटरनेट को यूज कर सकते हो। यानी आप एक मोबाइल से, अगर आपके पास एक मोबाइल है, एक मोबाइल में रिचार्ज है, तो दोस्तों आप हॉटस्पॉट ऑन करके लैपटॉप में इंटरनेट को यूज कर सकते हो। उसी हॉटस्पॉट से आप चाहे जितने डिवाइस में इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हो, एंड्रॉइड फोन चलाते हो, तो आपको हॉटस्पॉट के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि हॉटस्पॉट के अंदर काफी सारे सेटिंग्स हैं, फीचर्स हैं। तो इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जरूरी है, वीडियो को पूरा जरूर देखना। और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब चलिए मैं आपको हॉटस्पॉट के इंपॉर्टेंट सेटिंग्स और फीचर्स के बारे में बताता हूं कि कैसे आप हॉटस्पॉट को यूज कर सकते हो, कैसे आप हॉटस्पॉट को कनेक्ट करके एक फोन से दूसरे फोन में इंटरनेट को यूज कर सकते हो, इंटरनेट को चला सकते हो। ठीक है, आप यहां पर ये दो फोन देख सकते हो। मैं आपको इस वाले फोन से इस फोन में इंटरनेट को कनेक्ट करके दिखाता हूं, बताता हूं कि आप कैसे हॉटस्पॉट से एक फोन से दूसरे फोन में इंटरनेट को चला सकते हो। ठीक है, मान लो कि ये वाला फोन किसी और का है, ठीक है, हमारे दोस्त का है या हमारे फैमिली मेंबर का है और हमारे फोन में इंटरनेट नहीं चल रहा है। ये वाला फोन हमारा है, इसमें इंटरनेट नहीं चल रहा है, इंटरनेट डेटा खत्म हो चुका है, हमें इंटरनेट की सख्त जरूरत है। ठीक है, तो आपको सामने वाले बंदे का फोन लेना है, सेटिंग में जाना है। ठीक है, आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा, कनेक्शन एंड शेयरिंग, आपको इस पर टैप करना है। ठीक है, इसके अंदर आपको मिलेगा पर्सनल हॉटस्पॉट, आपको इस पर टैप करना है और यहां से पर्सनल हॉटस्पॉट को ऑन कर देना है। ठीक है, और दोस्तों आपको यहां पर हॉटस्पॉट सेटिंग मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कि सामने वाले बंदे के फोन में हॉटस्पॉट पर पासवर्ड सेट हो, ठीक है, सामने वाले के हॉटस्पॉट पर पासवर्ड सेट हो, तो आपको यहां पर पासवर्ड शो हो जाएगा, आपको पासवर्ड देख लेना है। ठीक है, जो नाम है आप देख सकते हो, OnePlus 9R, और पासवर्ड सेम है, OnePlus 9R। ठीक है, आपको ये पासवर्ड अपने फोन में डालना होगा, तभी आप सामने वाले बंदे के हॉटस्पॉट को यूज कर पाओगे, तभी आप इंटरनेट को कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पर हमने हॉटस्पॉट को ऑन कर दिया है। ठीक है, और इसका पासवर्ड यहां पर शो हो रहा है। ठीक है, आपको पासवर्ड को देख लेना है। अब आपको अपना फोन लेना है। ठीक है, अपना फोन लेना है और यहां से वाईफाई को ऑन करना है। आप देख सकते हो ऑलरेडी हमारे फोन में वाईफाई ऑन है। ठीक है, आपको फोन के सेटिंग में जाने के बाद आपको वाईफाई को ओपन करना है। इस वाले फोन में हमने कनेक्शन एंड शेयरिंग को ओपन किया, ठीक है, और इस वाले फोन में हमने वाईफाई को ऑन किया। आप यहां पर देख सकते हो OnePlus 9R शो हो रहा है। ठीक है, सिंपली आपको इस पर टैप कर रहे हैं। अब आपको ये वाला पासवर्ड यहां पर डालना है। ठीक है, तो हम पासवर्ड डाल देते हैं, जैसा पासवर्ड लिखा होगा सेम वही पासवर्ड आपको डालना है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जहां पर स्पेस है आपको स्पेस यूज करना है, जहां पर कैपिटल लेटर है आपको कैपिटल लेटर यूज करना है। ठीक है, पासवर्ड आपको ऐसे ही डालना है। अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे तो जो इंटरनेट है वो कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, इसके बाद ओके पर टैप करना है और दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, हमारा जो हॉटस्पॉट है वो कनेक्ट हो चुका है और इस वाले फोन में आप देख सकते हो वन डिवाइस इज कनेक्टेड टू योर पर्सनल हॉटस्पॉट। यहां पर शो हो रहा है कि हमने जो हॉटस्पॉट ऑन किया है उस पर एक डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, और आप यहां पर देख सकते हो इस फोन में वाईफाई ऑन है और OnePlus 9R कनेक्ट है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी भी इंटरनेट नहीं चलेगा जब तक हम इस फोन में
मोबाइल डेटा को ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, अभी आप देख सकते हो नो इंटरनेट लिखा हुआ आ रहा था। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहां पर हमने इंटरनेट को ऑन कर दिया है, इंटरनेट को ऑन कर दिया है, डेटा को ऑन कर दिया है, इंटरनेट चलने लगेगा। ठीक है, अब दोस्तों आप यहां पर देखोगे तो इस फोन में इंटरनेट चलने लगा है। आप देखो इंटरनेट चलने लगा है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह आप बहुत ही आसानी से हॉटस्पॉट को कनेक्ट करके एक फोन से दूसरे फोन में इंटरनेट को यूज कर सकते हो, इंटरनेट को चला सकते हो। ठीक है, आप देखो इंटरनेट चल रहा है और किससे चल रहा है, OnePlus 9R से चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये तरीका है हॉटस्पॉट को यूज करने का, हॉटस्पॉट को कनेक्ट करके एक फोन से दूसरे फोन में इंटरनेट को चलाने का। ठीक है, ये दोस्तों आप किसी और का फोन लेकर अपने फोन में इंटरनेट को चला सकते हो। मान लो कि आपका हॉटस्पॉट कोई मांग रहा है, आपके हॉटस्पॉट से आपके फोन से अगला बंदा इंटरनेट अपने फोन में चलाना चाहता है, तो दोस्तों आप अपने फोन में सेटिंग कर सकते हो, हॉटस्पॉट पर सेटिंग कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको अपना फोन लेना है, हॉटस्पॉट ऑन है, ठीक है, कनेक्शन एंड शेयरिंग वाला जो सेटिंग है वो ऑन है। ठीक है, कनेक्शन एंड शेयरिंग, पर्सनल हॉटस्पॉट। मान लो कि आप अपने हॉटस्पॉट से सामने वाले को इंटरनेट का कनेक्शन दे रहे हो, ठीक है, तो दोस्तों आप अपने फोन में लिमिट वगैरह भी सेट कर सकते हो कि सामने वाला बंदा कितना MB डेटा यूज कर सकता है। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने फोन में हॉटस्पॉट को ऑन कर देते हैं, सामने वाला बंदा वाईफाई कनेक्ट कर लेता है, हॉटस्पॉट को कनेक्ट करके इंटरनेट चलाता है, ठीक है, वो सारा डेटा खत्म कर देता है। तो दोस्तों आप डेटा लिमिट भी सेट कर सकते हो, आपको यहां पर काफी सारे सेटिंग्स मिलेंगे, आप हॉटस्पॉट पर टैप करके पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो, अपने हॉटस्पॉट का नाम चेंज कर सकते हो। इसके बाद आपको और भी काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, यहां पर ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ पर्सनल हॉटस्पॉट, जब आप इसको ऑन कर दोगे। ठीक है, मान लो कि आपके फोन में हॉटस्पॉट ऑन है, कोई और डिवाइस कनेक्ट नहीं है, ठीक है, 10 मिनट बाद ऑटोमेटिक हॉटस्पॉट बंद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा कनेक्शन मैनेजमेंट, आपको इस पर टैप करना है। दोस्तों अगर आप किसी भी डिवाइस को ब्लॉक करोगे, ठीक है, अगर आप किसी भी डिवाइस को ब्लॉक करोगे, जैसे ये Realme X इस टाइम कनेक्टेड है, अगर हम चाहें तो इसको ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, आपको डिवाइस पर टैप करना है, यहां पर आपको डिसकनेक्ट एंड ब्लॉक का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर टैप करके डिवाइस को डिसकनेक्ट कर सकते हो और ब्लॉक कर सकते हो। ठीक है, जब आप डिवाइस को ब्लॉक कर दोगे, ब्लॉक लिस्ट में वो डिवाइस शो होगा। ठीक है, अब आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा डिवाइस कनेक्शन लिमिट। ठीक है, आप अपने हॉटस्पॉट से मैक्सिमम कितना डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, आप डिवाइस कनेक्शन लिमिट पर टैप करके यहां पर सेट कर सकते हो। ठीक है, आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 आप सेट कर दोगे, दोस्तों उतना डिवाइस एक बार में आपके फोन में कनेक्ट होगा। ठीक है, उससे ज्यादा डिवाइस कनेक्ट नहीं होगा। अगर आप 2 कर दोगे, ठीक है, आप 2 या 3 कर दोगे, 2 या 3 से ज्यादा डिवाइस आपके हॉटस्पॉट से कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा डेटा यूजेस लिमिट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यहां पर डेटा सेट कर सकते हो। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि आप अपने हॉटस्पॉट से सामने वाले को कितना डेटा देना चाहते हो, कितना डेटा यूज करवाना चाहते हो। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें 2 GB पर डे मिलता है, हम अपने फोन में हॉटस्पॉट को ऑन कर देते हैं, सामने वाला बंदा हमारा सारा इंटरनेट डेटा खत्म कर देता है। तो आप यहां पर जब लिमिट सेट कर दोगे 10 MB, 50 MB, 100 MB, 200, 500 MB या 1 GB आप सेट कर दोगे, इससे ज्यादा इंटरनेट सामने वाला बंदा यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो भी आप लिमिट सेट करोगे, तो दोस्तों इस तरह आप हॉटस्पॉट की सेटिंग कर सकते हो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लगभग 90% लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, हॉटस्पॉट में जाकर वो सेटिंग नहीं करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।